Hello friend, this is HR Shivakarma from HR Academy Dhanbad. आज हम वीडियो में लाए हैं स्पेशली आपके झारखंड से रिलेटेड सवालों के लिए जवाब। अगर आप झारखंड SSC का एग्जाम देते हैं, JPSC का एग्जाम देते हैं या कोई भी एग्जाम देते हैं जिसमें झारखंड से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आज का वीडियो मिस ना करें, क्योंकि आज के वीडियो में अक्सर होता क्या है कि लोग पढ़ते हैं लेकिन याद नहीं कर पाते। आखिर पढ़े तो क्या पढ़े, उसको याद किया जाए तो कैसे किया जाए, अब किन किन सिलेबस पर फोकस किया जाए, ये बहुत बड़ी मायने रखती है। तो हमारे वीडियो में क्लास के साथ साथ आपके सिलेबस को लेते हुए और आपके जो झारखंड SSC JPSC या कोई भी एग्जाम जिसमें झारखंड से रिलेटेड सवाल पूछे जाते हैं उन सारे सवालों पर फोकस करने का काम करेंगे। और मे भी जो JTET की तैयारी करते हैं वो भी झारखंड GS पर फोकस करने का काम जरूर से जरूर कर सकते हैं। और आप देखोगे झारखंड GS की अगर बात करें तो इससे कई सारे सवालों पर फोकस करेंगे। और हमारा आज का टॉपिक है झारखंड GS, और सबसे पहले झारखंड GS के उसके भौगोलिक स्थिति पर फोकस करेंगे। भौगोलिक स्थिति को फोकस करते हुए थोड़ी मोरी राजनीतिक मतलब सिलेबस को फोकस करते हुए हम लोग आगे बढ़ने का काम करेंगे। सबसे पहले तो आप देखोगे कि सवाल अगर पूछे जाए कि हमारी जो भारत है वो किस गोलार्ध में स्थित है, हमारे सवालों का जवाब दे और कमेंट जरूर करें ताकि मुझे भी पता चले कि आप लोग जवाब दे रहे हैं सही है या गलत है। कोई बात नहीं, गलत है तो गलत, सही तो अच्छी बात है। तो आप देखोगे कि हमारा भारत देखता कहा, उत्तरी गोलार्ध में। ये रेखा कौन सी है, इस रेखा को कहा जाता है भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा, अब भूमध्य रेखा बोले तो इक्वेटर लाइन, इसी को विषुवत रेखा, इसी को इक्वेटर एंड इसी को जीरो डिग्री कहते हैं। एंड जीरो डिग्री डिवाइड्स आवर अर्थ इनटू टू पार्ट्स, अपर इज नोन एज नॉर्थ हेमिस्फीयर, लोअर इज नोन एज साउथ हेमिस्फीयर। ये उत्तरी गोलार्ध है, ये दक्षिणी गोलार्ध, और इस उत्तरी गोलार्ध में एक रेखा खींची जाती है जिसको कहा जाता कर्क रेखा, कैंसर लाइन 23.5 नॉर्थ डिग्री। और दक्षिणी गोलार्ध में एक रेखा खींची जाती है जिसको कहा जाता मकर रेखा, कैप्रिकॉर्न एंड 23.5 साउथ डिग्री। और यही आप देखोगे कि हमारा इंडिया देखने को मिलता। अब आप बोलोगे कि सर पढ़ा रहे हैं झारखंड GS लेकिन यहाँ तो विश्व और भारत दिखा रहे हैं। जी हाँ, विश्व और भारत को दिखाते हुए, क्योंकि सबसे पहला लोकेशन तो पता चले कि हमारा झारखंड पूरे विश्व में भारत में किस जगह पर है। तो आप देखोगे कि यहाँ पर आपके सवाल कई सारे सवाल होते हैं जो कि ये ज्योग्राफी वाले क्लास में मेरा क्लास आप लोग किए हुए हो या निक्की मैम का स्पेशल क्लास चल रहा है उसको मिस ना करें, उसको देखने का काम जरूर से जरूर कर सकते। तो यहाँ से सवाल आपके कई सारे सवाल पूछे जाते हैं। आप देखोगे कि अगर देखा जाए ये हमारी भारत पूरे विश्व में कितने परसेंट एरिया पर फैला हुआ है, तो 2.42% एरिया पर फैला हुआ है। और लगभग किलोमीटर में अगर पूछा जाए तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर पर फैला हुआ है। मैंने यहां ये क्यों दिखाया, क्योंकि अब सवाल होगा कि भारत के में झारखंड जो है वो किस जगह पर, तो याद रखे उसका वो पूरे भारत के एरिया में कितना परसेंट फैला हुआ, तो याद रखना आसान है क्योंकि सारों का आंसर एक ही होगा, तो याद रखना आसान होगा। अगर पूछा जाए कि भारत पूरे पृथ्वी में किस लोकेशन पे है तो आपका आंसर होगा नॉर्थ ईस्ट। ठीक उसी प्रकार से जब पूछा जाए झारखंड भारत के किस लोकेशन में स्थित है तो आपके आंसर होंगे नॉर्थ ईस्ट। और पूरा भारत पूरे पृथ्वी के 2.42% एरिया पर फैले हुए हैं, और अगर पूछा जाए झारखंड भारत के कितने परसेंट एरिया पर फैला हुआ तो आपका भी आंसर होगा 2.42%।
ये देखने को मिलती है। आर्य समाज में क्या कहना चाह रहे हैं, हाँ झारखंड का जो फैलाव है किलोमीटर में देखे तो 79,714 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर देखने को मिलती है, जिसको दो लेवल में बांटा गया है, एक शहरी लेवल और एक गांव लेवल। तो सबसे ज्यादा क्या दिखता है, झारखंड दिखेगा या गांव दिखेगा? तो जाहिर सी बात है आप देखोगे कि यहाँ पर फोकस किए जाएंगे, गांव होंगे, और गांव की संख्या कितनी है, फैली है 77,922 वर्ग किलोमीटर पर फैली है, मतलब जो बाकी बचा 1792 वर्ग किलोमीटर शहर देखने को मिलती है। तो फिर से देखिए कि बताइए पूरे, और आप लोग घर में बैठे हैं उसको रिपीट भी करते रहिए, पूरे विश्व में, पूरी पृथ्वी में भारत कितने परसेंट एरिया पर, 2.42। पूरे भारत में झारखंड कितने परसेंट एरिया पे, 2.42। कितने वर्ग किलोमीटर पर फैला हुआ है भारत, 32,87,263। लेकिन झारखंड कितना हो गया, 79,714 वर्ग किलोमीटर में। जो मेन है छोटा पॉइंट याद रखिए, 1792 शहर, 1792 बाकी लेस कर दीजिए आपका हो गया गांव, कितना हो गया 77,922। आप देखोगे कि अगर झारखंड की बात करें तो कहा जाता है स्पेशली झारखंड बोले तो झारो वाला प्रदेश, और हमारे भारत में जो लोग भी आए उन्होंने अपने झारखंड को अलग अलग नामों से कहा, मुगल आए कुछ और कहा, ब्रिटिश आए कुछ और कहे, वायु पुराण में कुछ और मिलता है, विष्णु पुराण में कुछ और मिलता है, महाभारत में कुछ और देखने को मिलते हैं, फाइनल चीन यात्री आए कुछ और मिलते हैं, और संस्कृत में देखोगे कुछ और ही इसका नाम देखने को मिलती है। इसका मतलब आपके एग्जाम में क्वेश्चन अगर दिए जाए कि बताओ जल्दी से कि ये अगर बताओ कुकरा किसको कहते हैं, मुंड किसको कहते हैं, पुंडरिक किसको कहते हैं, कुकुटलाट किसे कहते हैं, कलिंद किसे कहते हैं, मुरंड किसे कहते हैं, तो भूले नहीं ये सारे नाम हमारे झारखंड के। आप देखोगे इसके बारे में तो जरूर बताऊंगा मैं, क्योंकि आपके एग्जाम में मिलान करने के लिए दिए जाते हैं, या किसने क्या कहा या किस बुक में पुस्तक में क्या लिखे मिलते हैं, मैं ट्रिक भी बताने का काम करूंगा, इसलिए लास्ट समय तक वीडियो देखने का काम करें, ज्यादा से शेयर सब्सक्राइब करें। और अब आप देखोगे कहा जाता है कि अगर देखा जाए तो मनु संहिता बुक है, हिंदू का प्राचीन ग्रंथ, और आप देखोगे कि कहा जाता है उसमें भी बहुत सारे झारखंड के बारे में लिखे भी लेंगे, और स्पेशली एक श्लोक देखने को मिलती है झारखंड से रिलेटेड, क्या मिलती है भैया, अयस्का पे पय पानम साला पत्रे च भोजनम सैनम खजूरी पात्रे झारखंडे विधिवती। मीन्स क्या कहा मैंने, हमने बताया अपने झारखंड के बारे में, आप देखोगे आयस्का पे पय पायनम मतलब झारखंड में रहने वाले लोग धातु के बर्तन में पानी पीते हैं, आयस्का पे पय पायनम साले पत्रे च भोजनम, और आप देखोगे साल के पत्तों पर भोजन करते हैं, सैनम खजूरे पात्रे खजूर की चटाई पर सोते हैं, झारखंड विधिवते यही झारखंड का विधि है, कानून है, व्यवस्था है। ये आप देखोगे हमारे कल्चर अब तो चेंज हो गया है, ठीक है, लेकिन आप देखोगे शुरू से ये देखने को मिला, ये श्लोक के अंतर्गत हमारे पूरे झारखंड के कल्चर को बता देने का काम किया गया। इसका मतलब अब आप देखोगे कि हम अपने झारखंड पे स्पेशली फोकस करने का काम कर रहे हैं। इसको मैं मिटा दे रहा हूं, ऐसे तो बहुत सारे चर्चे होंगे जिस पे चर्चा हम लोग करेंगे जरूर से जरूर। और इट मींस आपने यहां देखा क्या, आपने देखा कि हमारा जो झारखंड है वो कितने परसेंट पर फैला हुआ है, 2.42%। ये एरिया कितना हो गया, 79,700 वर्ग किलोमीटर, जिसको दो भागों में बांटा गया है, एक शहरी और सबसे बड़ा पार्ट क्या हो गया, गांव। तो छोटा पार्ट याद रख लीजिए 1792 वर्ग किलोमीटर, तो बड़ा पार्ट तो आप लोगों को याद हो गया 77,922 वर्ग किलोमीटर आप देखोगे देखने को मिलते। अब क्या है, अब झारखंड की बात करूं तो झारखंड का निर्माण
देखो कि 15 नवंबर 2000 को हुआ। और याद रखना दोस्तों, नवंबर 2000 ये महीना ईयर भूलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस मंथ इस ईयर तीन राज्यों से अलग हुआ। सबसे पहला अगर देखे जाए तो आपको देखने को मिलता है मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हुए, यूपी से उत्तराखंड अलग हुआ, और फाइनली बिहार से झारखंड अलग हुआ। उस समय हमारा झारखंड 28वां राज्य था, उत्तराखंड 27वां और छत्तीसगढ़ 26वां देखने को मिलती है। और अभी झारखंड, अगर पूछा जाए कि अभी भारत में स्टेट कितने बता सकते हैं, 28, 29, 30, तो आप देखोगे एक तो बड़ा है, 29वां कौन है, तेलंगाना। 29वां कौन है, तेलंगाना। और तेलंगाना किससे अलग हुआ, आंध्र प्रदेश। चलिए तो झारखंड कितना, 28वां नंबर पे। लेकिन आप देखोगे एग्जैक्ट ये 15 नवंबर 2000 को अलग हुआ, और 15 नवंबर 2000 झारखंड दिवस के रूप में और बिरसा मुंडा का जन्म दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। अब क्या है, आप देखोगे कि झारखंड की अगर बात करें तो झारखंड हमारे कितने भारतीय राज्यों से घिरे। हमारे झारखंड में जब गठन हुआ था उसमें कितने जिले थे, अभी कितने जिले हैं, कब कब कितने जिलों की संख्या बढ़ी, और कौन जिला कहाँ है, कैसे याद करें, देखते हैं। लेकिन सबसे पहले मैंने भी आपको कहा था कि अलग अलग जगह में झारखंड को अलग अलग नाम देखने को मिलते हैं, बोर्ड पे ध्यान देंगे, और अगर बोर्ड पे लिखा दिख रहा है तो ठीक है, नहीं तो हमारे बोर्ड पे ब्लिंक करते हुए स्क्रॉल करते हुए आपको दिखेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसे सबसे पहला यहाँ पर देखोगे मुगलों ने हमारे भारत में आए और झारखंड को कुकरा कहा। क्या कहा, कुकरा, याद करते हुए चले, क्योंकि जब मैं क्वेश्चन पूछूं तो आपका कमेंट फास्ट होना चाहिए। ब्रिटिश ने झारखंड कहा, ब्रिटिश ने क्या कहा, झारखंड, क्या कहा, झारखंड। तो मुगलों ने कुकरा, ब्रिटिश ने झारखंड। वायु पुराण यहां दिखता है मुरंड, वायु पुराण में मुरंड। विष्णु पुराण मुंड। नेक्स्ट महाभारत पुंडरिक, महाभारत पुंडरिक। नेक्स्ट भाई हान का तो नाम जान रहे होंगे, जो कि चीनी यात्री थे, चीन से आए हुए थे, और इन्होंने नाम दिया हमारे झारखंड को कुक्कुट लाड। क्या नाम दिया, कुक्कुट लाड। और लास्ट देखोगे संस्कृत साहित्य में हमारे झारखंड को कहा जाता है कलिंग, याद रखे, नॉट कलिंग, कलिंग नहीं, कलिंग ग। कलिंग अगर बात करें तो झारखंड का दक्षिणी पार्ट में उड़ीसा है, और इसी उड़ीसा को कलिंग कहा जाता है, कलिंग ग, लेकिन द बोले तो कलिंद द, ये हो गया हमारा झारखंड। तो याद रखेंगे, भूलना नहीं है, कलिंग किसको, रिपीट कीजिए, उड़ीसा, कलिंग किसको, उड़ीसा, कलिंद किसको, संस्कृत, कलिंद किसको, संस्कृत। लेकिन अब इसको याद कैसे रखें, इतना इनफ है जी, और भी लिस्ट है, इतना इनफ है। आपको मैं बताऊंगा, कुछ टेस्ट सीरीज भी स्टार्ट करने वाले हैं, अगर रिस्पॉन्स आप लोगों का अच्छा रहा तो आप लोगों को कुछ मैं ऐसा करने वाला हूं, ताकि पीडीएफ भी हमारे जो साइट्स हैं www.hracademyforyou.in उसमें सारे पीडीएफ मिलेंगे। कुछ ऐसा होगा जो आगे चल के जिनका अच्छा रिस्पॉन्स होगा, मतलब जो हमारे हर वीडियो देख रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, लाइक्स कर रहे हैं, तो क्या होगा कि हमारे वेबसाइट में कुछ एक्स्ट्रा ऐसे वीडियो होंगे वो डाल दिए जाएंगे, उन लोगों को पासवर्ड दे दिया जाएगा, और उन लोग क्या होंगे उसमें जाके करने का काम कर सकते हैं। इस तरह से हम आपका पूरा सपोर्ट करने का काम करेंगे।
अब इसको याद कैसे रखे, याद करने पर फोकस करें। मुगलों की अगर बात करें तो मुगल आए कुकरा कहे। देखिए मैंने शुरू में कहा कि मेरी बातें कभी अच्छी लगेंगी खराब लगेंगी, मेरा एक्सप्रेशन कभी अच्छा लगेगा खराब लगेगा, उसमें ना जाए, क्योंकि हमारा उद्देश्य है कि आपके किस तरह से एक एक नंबर को बचाने का काम मैं करूं। और आप देखोगे कि मुगलों की अगर बात करें तो मुगल आए थे हमारे भारत में, और हमारे भारत में आए तो कुकुर की तरह आए थे। कैसे आए थे? कुकुर की तरह। इसका मतलब उन लोगों को अपने जगह कुछ नहीं मिल रहा था तो हमारे भारत कुकुर की तरह दौड़े चले आए। तो इस तरह से याद रखे तो मुगलों ने क्या कहा? कुकुर। मुगलों ने क्या कहा? कुकुर। अच्छा, झारखंड तो ब्रिटिश बोलेंगे नहीं। और वायु पुराण में मुरंड, वायु पुराण में मुरंड, और विष्णु भगवान के कई मुंड होते हैं। मुंड मतलब मुरी, मुंड मतलब मुरी। तो इस तरह से याद रखे तो विष्णु पुराण में क्या होगा? मुंड। और महाभारत पुंडरीक, याद भी रखना, मतलब कि भूलना नहीं है। क्यों? क्योंकि महाभारत में जो पांडव थे, पांडव पुंड पुंडरीक, बताइए याद हो रहा है या नहीं? फायान कुकुट लाड, और फायान चीनी यात्री थे। और चीनी यात्री जब भी कुछ देखो सब में कुकुर की तरह लार ही टपकाते रहते हैं। चमगादड़ देखो, सांप देखो, जो देखे सब खा लेते हैं। तो बताइए सब में लार टपकाते रहते हैं कि नहीं रहते हैं? फिर से ध्यान दीजिए, मैंने आपको क्या याद करा? कुकरा ओनली बोले तो मुगल, कुकुट लार बोले, लार टपकाते चीनी आते फायान, और संस्कृत में क्या देखने को मिला? कलिन। क्या मिला? कलिन। आप देखोगे इस तरह से हमने आप लोगों को ये याद करवाने का काम किया। अब आइए, इसका मतलब आप देखोगे हमारा जो झारखंड है ये स्पेशली 15 नवंबर 2000 को गठन हुआ। लेकिन 15 नवंबर को जब गठन हुआ था इस समय 18 जिले थे। कितने जिले थे? 18। बाद में 4 जिले बढ़ गए तो हो गए फाइनली 22 जिले, और फिर 2 बढ़ गए तो फाइनली हो गए 24 जिले। इसका मतलब अभी 2 दर्जन जिले हमारे झारखंड में है। लेकिन जो 4 जिले बढ़े वो कौन बढ़ा जी? जो 4 जिले हुए आप देखोगे कि देखने को मिलती है, ये 2001 में बढ़े और 2 जो था वो 2007 में बढ़े। जो 4 थे वो कौन कौन थे? तो ध्यान दीजिए, ये थे लातेहार। देखिए बोर्ड पे दिख रहा होगा, लातेहार दिख रहा है। नेक्स्ट जामतारा, देखिए जी जामतारा। नेक्स्ट लातेहार है, जामतारा है, उसके बाद देखोगे सिमडेगा। सिमडेगा सरायकेला, बोर्ड पे भी दिख रहा होगा सिमडेगा और सरायकेला। इसका मतलब कि चारों एकदम कोने पे है या नहीं? एकदम दिख रहा है ना, चतुर्भुज टाइप का बना रहे हैं। तो ये 2001 में मतलब 2000 में गठन हुआ और एक साल बाद ये 4 क्या हो गए? गठन हो गए। अभी किससे क्या अलग हुए वो आपके स्पेशली अलग उसको ट्रिक या कॉन्सेप्ट पे आपको याद करवाने का काम करेंगे। और जो 2 हुए वो 2 हुए याद रखने का काम करेंगे। ये है रामगढ़ और खुट्टी, रामगढ़ और खुट्टी। तो खुट्टी यहां दिख रहा है, यहाँ रामगढ़ दिख रहा है। तो ये देखो 2007 में देखने को मिलती है। तो फाइनली आपने देख लिया कि बताओ झारखंड के जब 15 नवंबर 2000 को गठन हुआ तो कितने जिले थे? बताइए, आंसर दीजिए जल्दी से, फास्ट कमेंट कीजिए। 18 जी। 2001 में कितने थे बताइए जल्दी से? 4। फिर बाद में कितने बढ़े? 2। कब बढ़े? 2007 में। जो बढ़े उसका नाम क्या है? रामगढ़ खुट्टी। लेकिन याद कैसे करे? क्वेश्चन आपके रहेंगे कि 2001 में किस जिला का गठन हुआ या नहीं बताइए, 2007 में किसका गठन हुआ या नहीं बताइए, या आपसे सवाल रहेंगे कि गठन के बाद अब तक किस जिलों का गठन हुआ या नहीं, निम्न से कौन है या नहीं। इसका मतलब आपके ऑप्शन होंगे, पहला नंबर बोकारो, तो ये है या नहीं। अगला होगा सरायकेला, नेक्स्ट होगा खुट्टी, और अगला है सिमडेगा। तो क्वेश्चन आपका क्या है कि गठन के बाद मतलब नवंबर 2000 का जो स्थापना हुई झारखंड, तो अब तक निम्न से कौन ऐसा है जिसका गठन नहीं हुआ? इसका मतलब बोकारो का तो पहले ही हो चुका था, ये नहीं होगा, बाकी होंगे, या
आप तो हो सकते हैं कि यहाँ पर दे दिए जाए। अब होगा किन्नियों से किसका गठन हुआ, लातेहार, और यहाँ दे दिए जाएंगे ऑल ऑफ दीज, इसका मतलब यहाँ पर आंसर होंगे। या कभी दिए जाएंगे 2001 में, फिर से देखिए जिसको शॉर्टलिस्ट में लेना ले सकते हैं, 2001 में किस जिले का गठन नहीं हुआ था, तो इसका मतलब यहाँ पर आपको दिखेगा लातेहार है, सरायकेला है, सिमडेगा है, तो बताइए आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए जी, तो क्या होगा खुट्टी, जिसका मतलब खुट्टी का तो 2007 में हुआ और बाकी आज सन में क्या खाना चाह रहा है। लेकिन इसको याद कैसे रखें, तो इसको याद रखने पर फोकस करेंगे, इसको मैं मिटाने वाला हूं, और इसको याद कैसे रखें, तो याद रखने के लिए आप अपने सांस को याद रखेंगे। किसको याद रखेंगे, सांस को, किसको याद रखेंगे, सांस। तो इसको याद रखने के लिए जो कोड दिया मैंने इस पर फोकस कीजिए, क्योंकि झारखंड में झारखंड एसएससी या अदर एग्जाम वाले को तो ज्यादा नहीं पढ़ना है, लेकिन जो जेपीएससी की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये बेसिक क्लास है, और आगे तो बहुत कुछ पढ़ना है, इसलिए बेसिक क्लास आप करें, अपने दोस्तों को भी देखने के लिए शेयर करें। तो इसको याद रखने के लिए अपने सांस को याद रखेंगे और फोकस करेंगे, क्या याद रखेंगे, तो मेरे साथ बोलिए लाज ना आवे सांस को, फिर से बोलिए क्या, मैंने कहा लाज ना आवे सांस को, क्या कहा मैंने, लाज ना आवे सांस को, तो राख में बदल दो, तो राख में बदल दो। अब ऐसा नहीं अपने अपने सांस के पास ही कोड रखने का काम करेंगे, सांस लोग भी बड़ी मारेंगे, सोच लेना लोग है कि नहीं, इसलिए याद रखने का काम करें, लाज ना आवे सांस को राख में बदल दो। तो देखिए ल लातेहार, जो जामतारा, सास सिमडेगा, स सरायकेला हो गया, राख में बदल दो, र से रामगढ़, ख से खुट्टी। बात समझिए, हम लोग हम एचआर एकेडमी और जो टीम है बहुत मेहनत करती है, ठीक है, ऑनलाइन तो ज्यादा नहीं दे पा रहे, लेकिन ऑफलाइन तो बहुत मेहनत किए जाते हैं, समय समय पर क्लास टेस्ट, मॉडल टेस्ट, सब्जेक्टिव टेस्ट, और डाउट क्लास, बेसिक क्लास, फाउंडेशन क्लास, रेगुलर क्लास, सब तरीके से बारी बारी दिए जाते हैं, क्योंकि ऑफलाइन में पूरी तरीके से कहा जाता है, उसमें रिस्पॉन्स भी दिखते हैं, और जो 20-30 बच्चों को टीम होता है उस पर हम लोग फोकस करवाने का काम करते हैं, इसलिए हमें भीड़ नहीं चाहिए, कम ही बच्चे हैं, लेकिन उस पर फोकस करने का काम कर, लेकिन ऑनलाइन है तो ऑनलाइन इससे फायदा और क्या हो सकता है, पूरा का पूरा आप झारखंड से हो, बिहार से हो, कहीं से भी हो, पूरा वीडियो को देखने का काम करें, और किसी की भी नौकरी ले दे, हमारा समाज का ही भला हो। आप देखोगे अब क्या है, तो लाज ना आवे सास को राख में बदल दो, याद रखने का काम करोगे। और अब यहाँ पर हम देखेंगे अपने झारखंड को, कि हमारे झारखंड जो है कितनी और राज से घिरी है, और कौन कौन जिला, तो देखिए ये सब, इसका झारखंड तो उत्तर में कौन है, बिहार, इसका दक्षिण में कौन है, उड़ीसा, इसके पूर्व में, तो ये है नॉर्थ साउथ, उत्तर दक्षिण, ईस्ट पूर्व, वेस्ट पश्चिम, और बिहार, इसका मतलब उत्तर में बिहार, दक्षिण में उड़ीसा, पूर्व में पश्चिम बंगाल, और पश्चिम में याद रखे दो स्टेट को छूती है, एक देखोगे ये जो है इधर यूपी, जो कि यूपी मात्र हमारे एक जिले को छूती है, वो है गढ़वा, ध्यान देंगे गढ़वा, क्या है गढ़वा, और उसके बाद इधर मिलेगा आपको छत्तीसगढ़, तो याद रखे टोटल कितने राज्यों से घिरे हैं, 5, तो याद कीजिए उत्तर में कमेंट कीजिए बिहार, दक्षिण में उड़ीसा, पूरब में पश्चिम बंगाल, और पश्चिम में दो राज्य यूपी और छत्तीसगढ़, और यूपी हमारे जिले की किस जिले को छूती है, गढ़वा को, और कितने मात्र एक जिले को छूने का काम करती है। इसका मतलब आप देखोगे कि 24 जिले जो बटे हैं, 24 जिलों को 5 प्रमंडल में बांटा गया, कितने प्रमंडल में, 5,
ऊपर जो है इसको कहा गया उत्तरी छोटा नागपुर, नीचे है दक्षिणी छोटा नागपुर। यहां आप देखोगे संथाल परगना, संथाल प्रमंडल, पलामू, और यहां पर आपको दिखेगा कोल्हान। क्या दिखेगा? कोल्हान। तो देखिए ना कितना हुआ, 1 2 3 4 5। तो इसका मतलब बताइए जल्दी से कि हमारे झारखंड में कितने जिले, 24। 24 जिलों को कितने प्रमंडल में बांटा गया, 5। कितने प्रमंडल में, 5। अच्छा अब क्या है, अब यहां पर देखने को मिलेंगे कौन जिले कहां है, फोकस करते हैं। तो याद रखें संथाल और कितने जिले, संथाल में है 6 जिले, कितने जिले, 6। कोल्हान में 3 जिले, कितने, 3। छोटा नागपुर में 5 जिले, कितने, 5। पलामू में 3 जिले, 3। तो सबको रटने की जरूरत नहीं है भैया आरएसएन में, यहां पर 3 3। तो देखिए कोना कोनी, कोना कोनी, पलामू में 3, कोल्हान में 3। अब पलामू तो ऐसे ही याद हो जाएगा, कितने लीटर दिख रहे हैं, लेटर दिख रहे हैं, अक्षर कितने दिख रहे, 3। तो 3 जिला, कोल्हान तो कोना कोनी, 3 जिला, याद रखने का काम करेंगे। अच्छा उसके बाद 3 का अल्टरनेट 5, तो दक्षिणी छोटा नागपुर में कितना हो जाएगा, 5। तो इसके इसके इधर भी आए तो 5 दिखा, इसके इधर भी आए तो 5 दिखा, याद रखने का काम करेंगे। और यहां पर आपको दिखेगा कितना संथाल में कितना हो गया, 6। संथाल में कितना हो गया, 6। इसका मतलब अगर तो जोड़े जाए तो 6 3 9, 9 5 17, 17 6 3 9, 9 5 14, 14 3 17। तो 24 में 17 गए तो बचे कितने, तो हो गए 7। कितने हो गए जी, 7। कितने हो गए, 7। तो यहां याद रखने का काम करोगे, यहां 6 है तो यहां 7। तो देखिए 3 3 3 3 माइंड में फोकस कीजिए, 3 3 5 और इधर 6। अगर कोई भी एक याद है तो याद रखने का काम करें। और याद रखे क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा प्रमंडल कौन, उत्तरी छोटा नागपुर। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा कौन, उत्तरी छोटा नागपुर। क्षेत्रफल की दृष्टि से छोटा कौन, पलामू प्रमंडल। जनसंख्या की दृष्टि से छोटा कौन, पलामू प्रमंडल। तो क्या दोनों अगल बगल हो गए या नहीं, तो याद रखना भी आसान हो गया। अब क्या है, अब आप देखोगे, अब आपके सवाल ये हो सकते हैं कि संथाल में कितने जिले हैं, कौन जिले हैं या नहीं है, कोल्हान में कौन है नहीं है, बताइए। याद रखने पर कैसे फोकस करें, तो यहाँ पर पलामू में 3 जिले हैं, 3 लेटर, यहाँ प्लग बोल के याद रख सकते हैं, प्लग। तो पलामू, लातेहार, गढ़वा। कोल्हान में S3 बोल के याद रख सकते हैं, S3 S3। तो S सरायकेला, S सीभूम। तो इधर जो है पूरब की ओर है तो पूर्वी सिंहभूम, इधर पश्चिम है तो पश्चिमी सिंहभूम। अब यहाँ दक्षिणी छोटा नागपुर में 5 है, अब इसको कैसे याद रखे भैया। तो अभी आपको हमने बताया था लाज ना आवे सास को राख में बदल दो, लेकिन दक्षिणी छोटा नागपुर में याद रखना है तो क्या याद रखेंगे कि उसी राख को हम गिलास में अब रखेंगे। जिसको याद रखने के लिए कोड दिए जा रहे हैं, गिलास में राख दो, गिलास में राख दो, है ना, राख दो मतलब रख दो, राख दो रख दो, ठीक है। लेकिन तो गिलास में देखिए क्या कहना चाह रहे, गिलास ग गुमला, ल लोहरदगा, स सिमडेगा। राख, यहां राख का मतलब था रामगढ़ खुट्टी, लेकिन यहाँ राख का मतलब रांची और खुट्टी। इसका मतलब दक्षिणी छोटा नागपुर में किन 5 दिख रहे हैं या नहीं, बात समझी क्या कहना चाह रहे। अब साहिबगंज पर फोकस कीजिए, साहिबगंज में याद रखने के लिए हम दद्दू को याद रखेंगे और मेरे साथ बोलिए। अभी आप देखेंगे कोरोना का समय है, कोई काम है नहीं, सब सोए रहते हैं, लेट लेट तक देर तक उठने का काम करते हैं। और दद्दू को उस समय क्या है कि दद्दू के साथ हम लोग छेड़खानी करते हैं, है कि नहीं, और दद्दू सोए रहेंगे और जल्दी से हम लोग उठाने का काम करेंगे और बोलेंगे चलो भैया क्या करें, पासा खेला जाए। तो संथाल में याद रखने के लिए याद रखे और बोले मेरे साथ, दद्दू जागो, क्या बोलेंगे, दद्दू जागो पासा फेंको,
ददू जागो पासा फेको। ध्यान दीजिए, देखिए जब मैं डिस्टिंक्ट दिखा रहा हूँ ना तो उसके साथ एरिया पर भी फोकस कीजिए, मतलब उसे पता चलेगा कौन किसको टच करती है। जैसे अभी आप देखो पलक दिखा, तो पलक से पलामू दिखा, ल लातेहार दिखा, ग गढ़वा दिखा, इसका मतलब पलामू बिहार को टच कर रही है। और किसको टच कर रही है? नहीं, लातेहार टच कर रही छत्तीसगढ़ को। और किसको कर रही है? नहीं, तो बात सब क्या कर रहे हैं? गढ़वा, गढ़वा अगर देखा जाए तो अच्छा गढ़वा बिहार को भी टच करती है, यूपी को भी करती है, छत्तीसगढ़ को भी करती है। आर्य समझ में क्या कहना चाहिए? अच्छा अब यहाँ पर आते हैं, जैसे यहाँ पर दिखा गया दक्षिण छोटा नागपुर में गिलास में रख दो, तो ग, ग से गुमला, तो गुमला देखिए छत्तीसगढ़ को टच कर रही है। ल, ल से लोहार दग्गा, लोहार दग्गा, नहीं ये छत्तीसगढ़ को टच नहीं करती है। तो क्वेश्चन होगा कि छत्तीसगढ़ का कौन, मतलब छत्तीसगढ़ को दक्षिणी छोटा नागपुर का कौन जिला टच करती है या नहीं करती। तो इस तरह से देखने को मिला, तो इसका तो सिर्फ दो ही जिला टच कर रही है, गुमला और सिमडेगा, बाकी कहाँ टच कर रही है? लोहरदगा नहीं करती है, रांची खुट्टी नहीं करती, नहीं करती है। अच्छा अब यहाँ पर जैसे आपने कोल्हान में स्थित दिखा, तो यहाँ पर देखे सरायकेला बंगाल को फोकस कर रही है जो टच करती है, और उड़ीसा को भी टच कर रही है। अच्छा पश्चिम पूर्वी सिंहभूम पश्चिम बंगाल को भी टच कर रही है, उड़ीसा को भी टच कर रहा है, लेकिन पश्चिमी सिंहभूम उड़ीसा को टच कर रही है। इसका मतलब आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि बताइए लातेहार किस स्टेट को, राज्य को छूती, तो लातेहार किसको छू रही है? देखिए छत्तीसगढ़। लोहरदगा किस राज्य को छूती है? किसी को नहीं छूती। रांची किसको छूती है? हाँ भैया ये छूती है भैया, ये छत्तीसगढ़ को नहीं छूती लेकिन बंगाल को छूती, ये सब बताने का काम करें। अच्छा पूर्वी सिंह कितने राज्य को छुई? दो। देखिए रटने की जरूरत नहीं। सरायकेला कितने को छुई? दो। पश्चिम बंगाल इधर से, इधर से पश्चिम बंगाल, इधर से उड़ीसा, पश्चिम सिंह कितने राज्य को छूती है? एक। तो देखिए मैं रटने की जरूरत है, उसको ध्यान से करिए। आपको अगर मेरी बातें स्पीड लग रही है तो उसको पॉज करके समझे, क्योंकि आप हमारे वीडियो को पॉज करके धीरे धीरे समझ सकते हैं, और जितना भी समय लगे कोई दिक्कत है नहीं, लेकिन मेरे साथ साथ घर में भी बोल बोल कर याद करने का काम कर। अब भाई दद्दू जाओ पासा फेको पर, तो दद्दू द दुमका, द देवघर, तो देखिए दुमका इधर से बिहार को टच की और इधर से पश्चिम बंगाल को टच की, और ये आपका हो गया देवघर। जागो जामतारा पश्चिम बंगाल, अगर गोड्डा बिहार, पासा प पाकुर स साहेबगंज, दिख रहा है जी। इसका मतलब साहेबगंज कितनी को टच कर रही है? इधर से बिहार, इधर से पश्चिम बंगाल, इसका मतलब दो राज्य को टच करती है, कर रही है या नहीं, याद रखने का काम कर रही है। देखिए सिमडेगा कितने को टच की? दो को। पूर्वी सिंहभूम कोना कोने पर फोकस कीजिए, दो को। साहेबगंज कितना? दो को। लेकिन गढ़वा पर अगर फोकस किया जाए तो आप देखोगे ये तीन को टच करने का काम करती है, याद रखने का काम करेंगे। और स्पेशली ये झारखंड की अगर बात करें तो यूपी के जो जिला है सोनभद्र, उस सोनभद्र जिला को टच करने का काम करती है, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन ये भी देखने को मिलेगा कि झारखंड यूपी को टच करती है लेकिन यूपी के किस जिला को, तो सोनभद्र को टच करती है। अब बाकी जो बचा उत्तरी छोटा नागपुर में कितने जिले, तो क्या इसको रटने की जरूरत है? नहीं है जी, क्योंकि बड़ा पार्ट भी है, और जब छोटा छोटा पार्ट सब याद हो गया है तो बड़ा पार्ट को याद रखने की जरूरत नहीं है। अगर मैं पूछूं संथाल परगना में कितने जिले कौन कौन है, तो छह जिले दद्दू जागो पासा फेको भैया, कोल्हान में कितने एस थ्री भैया, दक्षिण छोटा नागपुर में गिलास में राख दो, पलामू में पलग, बाकी जो बच्चा जिसको मैंने नहीं बताया वो आपका क्या हो गया, वो आपका उत्तरी छोटा नागपुर के अंतर्गत आ गया। लेकिन फिर भी उसे मैं देखो, जैसे आप देखोगे कि बताइए इधर से लोग देवघर से अगर आते हैं धनबाद तो बीच में तो जाम लगा रहता ही रहता है ना जी, और जैसे धनबाद से आप आते हैं बोकारो की ओर तो ऊपर है गिरिडीह,
ऊपर है गिरिडीह, ध्यान देंगे। अब गिरिडीह है हमारा उत्तरी छोटा नागपुर, देवघर है संथाल परगना, और यहाँ पर सब यहाँ पर बोकारो दिखने को मिलते हैं, है ना, मतलब बोकारो। उसके बोकारो होते हुए जैसे आगे बढ़ते रामगढ़, तो ऊपर में देखोगे कोडरमा, हजारीबाग, हजार हजार बाग, और नीचे इधर रांची। अच्छा रांची तो इसमें मिला, ठीक है। इधर चतरा, तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7, तो रांची तो आपका हो गया दक्षिणी छोटा नागपुर, जिसको तो कवर कर नहीं करना। तो यहाँ पर क्या, धनबाद, बोकारो, रामगढ़, गिरिडीह, कोडरमा, हजारीबाग और चतरा, ये याद रखने पर फोकस करें। आप देखोगे कि अब आपका सवाल होगा कि बिहार स्पेशली कितने झारखंड के कितने जिलों को छूती है, बिहार झारखंड के कितने जिलों को छूती है। तो आइए देखिए, देखते हैं। गरवा 1, पलामू 2, चतरा 3, हजारीबाग 4, कडरमा 5, गिरिडीह 6, देवघर 7, दुमका 8, गोड्डा 9, साहिबगंज 10। तो बताए बिहार झारखंड के कितने जिले को टच किए, 10। कितने, 10। नेक्स्ट आप देखोगे अगर पश्चिम बंगाल में देखे, साहिबगंज 1, पाकुड़ 2, दुमका 3, जामतारा 4, धनबाद 5, बोकारो 6, उसके बाद आप देखोगे रामगढ़ 7, रांची 8, सरायकेला 9, पूर्वी सिंहभूम 10। तो पश्चिम बंगाल भी कितने जिला को टच की, 10। आप लोग सोच रहे होगे याद होगा नहीं होगा, नहीं जी, इसी वीडियो को आप एक बार दो बार चार बार देखिए ना, उसके बाद फिर आप देखोगे आगे जितना भी मैं वीडियो बताऊंगा झारखंड से रिलेटेड, यहाँ की मिट्टिया के बारे में, यहाँ के कल्चर के बारे में, यहाँ के जनजातियों के बारे में, यहाँ के जलवायु के बारे में, यहाँ के मौसम के बारे में, यहाँ के नदियों के बारे में, जितना मैं बताऊंगा, बात समझिए क्या कहना चाह रहा हूँ। इस वीडियो को फोकस करें, उसके बाद आगे जितना भी क्लास होगा आप जरूर से जरूर आंसर दे, कमेंट दे करें, ताकि हमारे जो भी टीम है लोगों को भी लगे कि हमारा क्लास देना अच्छा है, और आप लोग सब्सक्राइब जरूर से जरूर करने का काम करें। क्योंकि आप देखो जैसा कि 14 तारीख को लॉकडाउन हटने वाला, भगवान करे सपोर्ट जाए जल्दी से जो भी हो, और अगर बढ़ा भी तो भी हम लोग तो क्लास देने का काम जरूर से जरूर करेंगे। और लेकिन घर में रहे, सुरक्षित रहे, और घर में ही बैठ कर पढ़े फिलहाल, उसके बाद लॉकडाउन के बाद क्लास में जो भी हमारा प्रोसेस है, जैसा कि डेली टेस्ट, वीकली टेस्ट, सब्जेक्टिव टेस्ट, वो सारा स्टार्ट होने वाला है। जो भी ऑफलाइन क्लास के लिए आना है वो लोग आ सकते हैं, और एक बार ऑफलाइन भी 1 वीक का डेमो जरूर करके देखने का काम करें। आप देखोगे इसका मतलब बिहार में कितने जिले, 10। बिहार के कितने, बिहार कितने, झारखंड कितने जिले को टच की, 10। पश्चिम बंगाल झारखंड के कितने जिले को टच की, 10। छत्तीसगढ़ को झारखंड के कौन कौन से जिले टच कर रहे, तो गढ़वा 1, लातेहार 2, लोहरदगा नहीं है, गुमला 3 और सिमडेगा 4। तो कितना टच की, 4। अब आइए दक्षिणी छोटा नागपुर, सॉरी उड़ीसा झारखंड के कितने जिले को टच करती है, तो सिमडेगा 1, पश्चिमी सिंहभूम 2, सरायकेला 3, पूर्वी सिंहभूम 4। इसका मतलब तो याद रखना तो ऐसे आसान हो गया जी, यूपी कितने जिला को टच की, 1, कौन सा है, गढ़वा, और बाकी इस कोना को यहां से लाइन खींच ड्रॉ कीजिए और यहाँ लाइन ड्रॉ कीजिए। अब इसका मतलब ये लाइन ड्रॉ के मतलब 10 10, इधर है बिहार, इधर है पश्चिम बंगाल, बिहार कितने को टच की, 10, पश्चिम बंगाल कितने को टच की, 10। यहाँ लाइन ड्रॉ करने का मतलब इधर है छत्तीसगढ़, इधर उड़ीसा है, तो इधर चौका मार देने का, तो याद रखो छत्तीसगढ़ कितने जिले को टच की, 4, और उड़ीसा कितने जिले को टच कर रही है, तो 4। तो 10 उधर 4 इधर, क्या जी बात समझ में आ रही, क्या कहना चाह रहे, मुझे उम्मीद हो रही होगी मुझे समझ में आ रहा होगा कि आप लोगों को याद हो रहा है। आप देखोगे अगर देखा जाए हमारे झारखंड की अगर बात करें, तो हमारे झारखंड की प्रमुख फसल है धान, और झारखंड मानसूनी जलवायु पर डिपेंड करती है। यहाँ का औसत वर्षा 110 से
140 सेंटीमीटर के अप्रोच देखने को मिलती है और टेम्परेचर इसका अधिकतम 44 डिग्री सेंटीग्रेड तक और मिनिमम 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक देखने को मिला। इसका अगर विस्तार देखें पूरी पृथ्वी में तो यहां पाएंगे आप इसका जो उत्तरी अक्षांश 21 डिग्री 58 मिनट से लेकर 25 डिग्री 18 मिनट और इसका देशांतरीय देखेंगे तो दिखेगा 83 डिग्री 19 मिनट से लेकर 87 डिग्री 57 मिनट। बात समझे क्या कहना चाहते हो? रट जाइए भैया, रट जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और इसको याद कैसे करें तो ध्यान दीजिए, छत्तीसगढ़ कितने जिले को टच की थी? 4। उड़ीसा कितने जिले को टच की थी? 4। 2001 में कितने जिले का गठन हुआ था? 4। आई दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है? 4। देखिए 21 और 25 का डिफरेंस 4, 83 और 87 का डिफरेंस 4। तो बताइए याद रखना भी आसान हो गया कि नहीं? अगर कोई भी एक पार्ट याद होगा तो दूसरा पार्ट आप याद रखने का काम कर सकते हैं। और पूरब से पश्चिम की लंबाई यहां से यहां अगर आप देखेंगे तो ईस्ट टू वेस्ट की लंबाई झारखंड की 463 किलोमीटर दिखती है और नॉर्थ टू साउथ उत्तर से दक्षिण आप देखोगे 380 किलोमीटर दिखती है। तो याद कर लीजिए पूरब से पश्चिम 463, उत्तर से दक्षिण 380। याद रखना भी आसान, देखिए ना कैसे याद रखना, पूरब से पश्चिम, कंफ्यूजन नहीं करना, पूरब से पश्चिम उत्तर से दक्षिण, तो आंसर दिख रहा है, आंसर दिख रहा है, ध्यान से देखिए 4 4 4 दिखा, हो गया भैया। अगर एक याद है तो दूसरा भी याद है, तो आप फोकस करें, ऐसा कि रटे नहीं, एग्जाम में बैठे और ऑप्शन क्वेश्चन नहीं और आंसर छिपा पर रहा है। यहां पे देखो उत्तर से दक्षिण, तो दक्षिण देखिए 380 है, 3 3 दिखा, हो गया भैया, तो उसी में आंसर भी छिपा हुआ है। तो यहाँ पर याद रखने का काम करें, उत्तर से दक्षिण 3 और 3। तो इस तरह से आप देखोगे, उसके बाद आप देखोगे कि यहाँ पर क्या देखने को मिलती है, हमारी झारखंड की अगर आकार पूछे तो चतुर्भुजा आकार देखने को मिलती है। और अगर आपसे पूछे जाए कि क्षेत्रफल की दृष्टि से, घनत्व की दृष्टि से और जनसंख्या के दृष्टि से हमारे भारत का कितना नंबर वा स्थान पे देखने को मिलती है, तो याद रखें जम्मू कश्मीर का जो हमारा नया स्टेट, मतलब स्टेट के हट गए हैं, तो उसके बाद नया डेटा है, उस डेटा के आधार पर झारखंड क्षेत्रफल या घनत्व बोले तो याद रखने का काम करेंगे 15वां स्थान, कितना स्थान 15वां, और जनसंख्या 14वां स्थान, याद रखने का काम करेंगे। पहले क्या था, 14 15 16 था, जनसंख्या 14, घनत्व 15, क्षेत्रफल 16, लेकिन अभी याद रखना आसान हो गया, क्षेत्रफल याद है तो घनत्व याद है 15, ऐसे याद भी रखना आसान है कि अभी आपको हमने बताया कि हमारा जो एरिया है झारखंड कितना फैला हुआ, कितना किलोमीटर, 79714, तो 14 14 के बाद क्या होता 15, तो क्षेत्रफल कितना 79714, तो 14 के बाद कितना 15, हो गया। इस तरह से याद रखने काम, अब ये भी कि जनसंख्या में 14 14 मात्र, इसलिए पढ़ने के साथ कंफ्यूजन को भी दूर किए। तो बताइए क्षेत्रफल कितना में फैला हुआ 79714, तो जहां 14 दिखा तो 14 है जनसंख्या और एक बढ़ा के 15 है क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल बोले तो घनत्व भी आप 15 देखने का काम कर सकते हैं। तो क्या आपने याद कर लिया या नहीं कर लिया? आप देखोगे कि आपको अब अगला क्या है, हमारे झारखंड की अगर बात करें तो यहाँ का साक्षरता 67.63% है, कितनी है 60, तो क्या फिर से 4 का अंतर हुआ या नहीं, फिर से 4 का अंतर। तो आप देखोगे कुछ बातें हैं जिसको सिमिलर किया गया ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो, आप देखोगे। अच्छा उसके बाद आप देखोगे कि यहाँ पर आपने देखा कि 18 जिले हैं, सॉरी 24 जिले हैं,
इसको पांच प्रमंडल में बांटा गया है, लेकिन इस पांच प्रमंडल को अगर देखा जाए तो इसको 33 अनुमंडल में, याद रखेंगे 33 अनुमंडल में जब गठन हुआ था उस समय बटे थे, लेकिन अभी लेटेस्ट डेटा याद रखे 45 याद रखने का काम करें, तो दोनों डेटा याद रखिए। जैसा कि झारखंड का गठन के समय कितने जिले, 18, परिजन में कितने, 24। झारखंड के गठन के समय, मतलब गठन के समय बोले तो जब पहला था वो 33 था, फिर बाद में चार बढ़े तो फिर बढ़े 35 हुए, फिर 37 हुए, जो भी हो उसको बीच वाले को छोड़ दीजिए, लेकिन फिलहाल अभी याद रखने का काम करें कितने अनुमंडल 45, कितने अनुमंडल 45 याद रखने का काम करेंगे। और इसमें प्रखंड को बांटा गया, प्रखंड तो ये आपका हो गया अनुमंडल, और अगला देखोगे प्रखंड बोले तो ब्लॉक, अनुमंडल सब डिविजन, प्रखंड ब्लॉक। अब ब्लॉक जब गठन हुआ था उस समय आप देखो 212 थे, बीच में फिर 260 हुआ, लेकिन एक प्रेजेंट में आपको 264 ही याद रखने हैं, और कुल परिषदों की संख्या 450 लिखने को मिलती है। तो इस तरह से हमने बहुत सारी बातों पर चर्चा किया, हमने बताया, और याद रखेंगे कि हमारा जो झारखंड का जो सेक्स रेशियो है वो जब गठन हुआ था उस समय सेक्स रेशियो उस समय का डेटा है 947, लेकिन 2001 का डेटा है 2011 का डेटा जो सेंसस हुआ, जनगणना हुई 2011 में, तो 940, लेकिन एट प्रेजेंट में अगर देखा जाए तो है 949। तो ध्यान दे, जब गठन हुआ तो कितना 947, 2011 के आधार पे कितना 940, लेकिन एट प्रेजेंट में कितना है 949। तो ये आप लोगों को ध्यान देना होगा, याद रखना पड़ेगा कि इसको याद रखे जाए तो कैसे याद रखे जाए। आप देखोगे कि इस तरह के बहुत सारी बातें हमने बताई, और उम्मीद करते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर से इसको बताते हुए भी करते हुए आपको हमारा अगला टॉपिक बहुत सारा होगा। जैसे कि आप देखोगे नेक्स्ट वीडियो देखना तो ना भूले, क्योंकि इससे बहुत सारे सवालों में, इसमें बहुत सारे सवाल आपके मन में है जो कि वो सारे सवाल हम करेंगे। झारखंड में आप देखो जो प्रमुख पशु कौन है, उसके क्या बोलते हैं पंछी कौन है, उसकी झारखंड की प्रमुख पशु कौन है, जलवायु कौन है, इसका खान पान क्या है, इसकी राजकीय फूल क्या है, राजकीय वृक्ष क्या है, पंछी, मतलब सब बहुत सारे क्वेश्चन है जो हमने रखे हैं और जो नेक्स्ट एपिसोड में बताने हैं। अगर आप बोलोगे सर ये सब तो जान ही रहे, झारखंड के प्रमुख पक्षी है कोयल, पशु है हाथी, पुष्प है साल, लेकिन आपको क्वेश्चन यहाँ से साइंटिफिक तरीके से पूछे जाते हैं। अगर आपका क्वेश्चन है कि कुकुलस कैनरस क्या है, कुकुलियड क्या है, तो बताइए आप बड़ा कंफ्यूज होंगे या नहीं। तो याद रखेंगे जो भी बातें हैं नेक्स्ट टॉपिक में हम फोकस करेंगे कुछ राजनीतिक और भौतिक स्थितियों को दिखाते हुए। फिर अगला हमारा टॉपिक होगा झारखंड की मिट्टियों से, क्योंकि झारखंड की मिट्टियों से क्वेश्चन हमेशा हर एग्जाम में होते ही होते हैं। तो आप देखोगे आज इस जो वीडियो को दिया मैंने, आप इसको शेयर करें, और जोहार झारखंड, धन्यवाद।